हेलो बच्चों आज का टॉपिक है वेक्टर हम्म तो ये देखो एक लाइन देख देख पा रहे हो लाइन पी क्यू हाँ ये वेक्टर डिनोटेड बाय पी क्यू पी क्यू इज ए लाइन पी क्यू पी क्यू के ऊपर एक एरो साइन है देखो एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है पी से क्यू पी से क्यू में एरो का साइन कहाँ पे है पी से जहां पे क्यू वहाँ पे है तो इसलिए एरो साइन पी से क्यू जा रहा है इज डिटर्मेंट बाई टू पॉइंट्स पी क्यू देखो पी क्यू में पी क्यू लाइन में टू पॉइंट है पी एक पॉइंट है क्यू एक पॉइंट है सच दैट मैग्नीच्यूट ऑफ द वेक्टर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूट होता है वह क्या होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू पी क्यू जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो लेंथ है लेंथ हम लोग जानते हैं अगर टू पॉइंट गिवन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दिस लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूट ऑफ द वैक्टर एंड इट्स डिरेक्शन इज डैट फ्रॉम पी टू क्यू पी से क्यू उसका एक डिरेक्शन रहेगा वेक्टर का एक डिरेक्शन रहेगा एक वैल्यू uh, रहेगा मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू लेंथ रहेगा hmm. तो वेक्टर्स इट हैज डिरेक्शन फ्रॉम हेयर पी टू क्यू ऑल्सो इट हैज मैग्नीट्यूड और वैल्यू डैट इज लेंथ ऑफ द स्टेट लाइन ओके जैसे कि देखो द पॉइंट पी इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर पी क्यू एंड क्यू इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट जो पॉइंट आगे है उस पॉइंट को कहेंगे इनिशियल पॉइंट जो पॉइंट बाद में है उसको कहेंगे टर्मिनल पॉइंट एंड वेक्टर्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर एक्सेट्रा जैसे कि इस वेक्टर को हम लोग स्मॉल ए लिख सकते हैं स्मॉल ए वेक्टर लेट पी क्यू वेक्टर

एक वैल्यू और मैग्नीट्यूड रहेगा एंड डिरेक्शन रहेगा वेक्टर क्या है एक वैल्यू और मैग्नीट्यूड रहेगा एंड इट्स डिरेक्शन रहेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है हाँ फिर से बोलो मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज अ पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होगा विच इज द वाई वाई बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव भी होता है किसी का लेंथ नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव ही होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज अ पॉजिटिव नंबर व्हिच इज द मेजर ऑफ इट्स लेंथ मतलब स्ट्रेट लाइन के लेंथ को ही कहेंगे मैग्नीट्यूड, uh, तो इसलिए वो पॉजिटिव होगा एंड डिनोटेड बाय जब ए वेक्टर दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन इसको मॉट uh, के मॉड के जैसा है हाँ मॉड बोल सकते हो मॉड्युल मॉट mod तो नहीं बोल सकते हैं साइन है मॉट हाँ, की तरह उसका हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए ओके तो ये था वेक्टर जिसका एक डिरेक्शन रहेगा फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट वैल्यू मैग्नीट्यूड रहेगा एक वैल्यू व मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जिस तो जिसका वेक्टर निकालेंगे पी क्यू स्ट्रेट लाइन का उसका लेंथ को ही कहेंगे मैग्नीट्यूड अब देखो टाइप ऑफ वेक्टर तो नंबर वन नाल वेक्टर व जीरो वेक्टर किसको कहेंगे ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक हो जाएगा कोंसिडेंट Coinc मतलब एक हो जाएगा एक इस कॉल जीरो वेक्टर और नाल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे जीरो ऊपर ए वेक्टर साइन इस फिकल को देखो ना जो वेक्टर का पी आर क्यू सेम हो जाएगा तो ये तो पॉइंट मतलब वेक्टर नहीं रहेगा पॉइंट का पॉइंट को पॉइंट पॉइंट का तो कोई लेंथ नहीं होता है ना इधर लेंथ ना इधर डिरेक्शन तो इट इज नॉट कॉल्ड सो इट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है जीरो वेक्टर, कोई लेंथ तो नहीं है कॉल्ड जीरो वेक्टर, सेकंड होगा यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर मॉड्यूलस यूनिटी हुई कॉल्ड यूनिट वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज यूनिटी मतलब वन वाट इज मीनिंग ऑफ यूनिटी वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर जैसे कि देखो यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए ऊपर देखो एक इज वी है ना वी वी को ऐसे लिखो वी को उल्टा दो हुँ. इसको हम बोलेंगे ए कैप उसको हम लोग बोलेंगे ए कैप ए कैप है आ, लिखेंगे ऐसे ए कैप दोनों तरफ मॉड्यूलस साइन इक्वल टू वन तो वेक्टर यूनिटी देखो वन बिकॉज़ इज कॉल्ड यूनिटी ठीक है यहाँ पे वन को ही बोलेंगे यूनिटी एंड ये सिंबल एक उसको एक कैप बोलूंगा हाँ इस वी को वी को रेसिप्रोकल के जैसे लिखो वी उलट गया ऐसे हो गया इसको हम ए के ऊपर लिखेंगे उसको कहेंगे ए कैप अगर ये बी रहेगा तो बी कैप हैं सी रहेगा तो सी कैप ए है तो ए ए कैप एंड उसको लिखेंगे ऐसे ए कैप दोनों तरफ मॉड्यूलस मॉड्यूल मॉड साइन इक्वल टू वन इस कॉल अगर ऐसे कोई वेक्टर होता है उसको वैल्यू निकालता है तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर नेक्स्ट देखो कोलिनियर और पैरल वैक्टर वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरल सपोर्ट्स आर कॉल्ड ियर वेक्टर मतलब सेम और पैरल का मतलब क्या है इस फिगर को देखो यहाँ देखो ए ए वेक्टर यहाँ से यहाँ बी वेक्टर यहाँ से यहाँ सी वेक्टर यहाँ से यहाँ और डी वेक्टर यहाँ से यहाँ यहाँ देखो ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर बिकॉज तो ए वेक्टर सी वेक्टर पैरल है देखो सी एंड डी वेक्टर सेम है सेम एक ही लाइन में है हम्म एक ही लाइन में है वेक्टर्स हैविंग द सेम सेम मतलब सेम मतलब होता है सेम डिरेक्शन और पैरेलल हम्म देखो ये दोनों ये ए वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल है एंड सी वे एंड डी वेक्टर डिरेक्शन सेम नहीं है लेकिन एक ही लाइन में मतलब देखो ये जो पी क्यू उसको p लिखते हैं इसको q लिखते हैं तो वहाँ आर देते हैं तो ये पी आर आर क्यू इज कॉल कोलिनियर पी आर वेक्टर पी आर वेक्टर एंड आर क्यू वेक्टर कोलिनियर ये डिरेक्शन यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है लेकिन एक ही लाइन के ऊपर है अलग कोई लाइन नहीं है एक ही लाइन के ऊपर है डिरेक्शन अपोजिट हो सकता है सेम भी हो सकता है लेकिन एक ही लाइन के ऊपर है यह पी आर वेक्टर एंड आर क्यू वेक्टर इज कोलिनियर बिकॉज एक ही लाइन के ऊपर है ये कंसेप्शन ऑफ द कोलिनियन वेक्टर और इस कोलिनियन को कब बोल गए पैनल अगर ऐसे होता है ये पी आर देखो ये हो गया पी आर ये पी आर और ये हो गया क्यू पी पी आर और क्यूपी वेक्टर और पैरल अगर दो वेक्टर पैरल होगा तभी उसको बोलेंगे कोलिनियर और पैरल वेक्टर अगर दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा दो वेक्टर दोनों वेक्टर पी आर वेक्टर एंड क्यू आर वैक्टर एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा तभी उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर ओके नेक्स्ट देखो सेंस क्या है आज का टॉपिक है ओनली कंसेप्शन व्हाट इज सेंस? सेंस मतलब कुछ नहीं सेंस हो गया सेंस ऑफ पी क्यू वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू पी क्यू वेक्टर है सेंस का मतलब होता है इनिशियल टू टर्मिनल एक कंसेप्शन सेंस का मतलब इनिशियल टू टर्मिनल अगर पी क्यू के जगह क्यू पी होता है तो हम बोलूँगा क्या सेंस ऑफ क्यू पी इज फ्रॉम क्यू टू पी मतलब इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इसको कहेंगे कोई भी वेक्टर होना पी क्यू क्यू आर एस आर यू वी डब्लू वी कोई भी वेक्टर होना क्यों हो। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट को ये जो कंसेप्शन है इनिशियल टू टर्मिनल इनिशियल टू टर्मिनल हाँ इसको कहेंगे सेंस और कुछ नहीं नेक्स्ट टॉपिक हो गया इक्वल वेक्टर इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेक्वल उसको लिखेंगे ऐसे अगर ए और बी वैक्टर इक्वल हो गया तो ए वैक्टर इक्वल टू साइन टू बी वेक्टर कब बोलेंगे इक्वल इफ दे देव सेम लेंथ लेंथ सेम होगा मतलब सोचो ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर और इसको नाम देते हैं आर एस इसको क्टर तो पी क्यू स्टेट लाइन का तो लेंथ होगा आर एस स्टेट लाइन का जो लेंथ होगा सेम होना पड़ेगा पी एक पॉइंट टू पॉइंट निकाल पाएंगे यहां पे आर एस टू पॉइंट गिवन लेंथ निकाल पाएंगे अगर पी क्यू लेंथ इक्वल टू आर एस लेंथ सेम होता है तब कहेंगे इक्वल ये नंबर वन कंडीशन है और भी कंडीशन है सेम और पैरल सपोर्ट मतलब दोनों वेक्टर पैदल अगर हो तब भी हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर ये तीनों कंडीशन सेम होना पड़ेगा ठीक है एंड नंबर थ्री द सेम सेंस सेम सेंस मतलब सेम सेंस मतलब हो गया इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा इनिशियल पॉइंट टू टू टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा उसको देखो एक फिगर से बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो ए वेक्टर कहाँ से कहाँ यहाँ से यहाँ है डी वेक्टर यहाँ से यहाँ है बी वेक्टर यहाँ से यहाँ है एंड सी वेक्टर यहाँ से यहाँ तो यहाँ पे देखो डी वेक्टर बी वेक्टर इक्वल वाई बिकॉज देखो डी वेक्टर और बी वेक्टर का सेंस सेम है सेंस मतलब क्या बोला था इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट देखो डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ एंड बी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट यहाँ डी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट यहाँ बी वेक्टर का भी टर्मिनल पॉइंट यहाँ देखिये फिर से बोल रहा हूँ सेंस मतलब देखो डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, डी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट यहाँ और बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट यहाँ ठीक है देखो दोनों वेक्टर पैरेलल भी है दोनों वेक्टर पैरेलल भी है एंड लेंथ सेम होगा लेंथ भी सेम है लेट लेंथ भी सेम ये स्क्वायर है ये स्क्वायर का फिगर है तो स्क्वायर हो हो तो साइड तो सेम होगा ही तो तीनों कंडीशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी हम बोलूंगा टू वेक्टर्स इक्वल नंबर वन सेम लेंथ इस फिगर को देखो स्क्वायर सेम लेंथ पैरल पैरल है एंड सेंस मतलब दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा दोनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम होगा ये है कंसेप्शन ऑफ द इक्वल वेक्टर ओके नेक्स्ट टॉपिक देखो को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल को इनिशियल वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर का इनिशियल सेम होगा अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तब वही दो वेक्टर को हम कहेंगे को इनिशियल पॉइंट इस फिगर को देखो देखो ए वेक्टर यहाँ से यहाँ बी वेक्टर यहाँ से यहाँ सी वेक्टर यहाँ से यहाँ और डी वेक्टर यहाँ से यहाँ अब देखो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है सी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट ये है इसको नाम दो नाम दे दो पी नाम दे दो तो बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पी एंड डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पी पी क्यू वाई पी बिकॉज वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कौन ये अगर पी इनिशियल पॉइंट है क्यों होगा टर्मिनल पॉइंट मतलब एडो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको कहेंगे टर्मिनल पॉइंट और जहाँ शुरू हो रहा है इसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट ये तो कोई एरो नहीं है यहाँ से शुरू हो रहा है सी वेक्टर यहाँ से शुरू हो होगी ये खत्म हो गया एरो ये ये हो गया टर्मिनल पॉइंट बी वेक्टर को देखो पी से शुरू हो रहा है डी वेक्टर को देखो पी से शुरू हो रहा है तो देखो बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर को इनिशियल बिकॉज ये तीनों वेक्टर का तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है मतलब एक ही पॉइंट से तीनों वेक्टर स्टार्ट हो रहा है सी वेक्टर पी से स्टार्ट नाम दे दो पी क्यू डी वेक्टर नाम दे दो पी आर बी वेक्टर नाम दे दो पी वी नाम दे दो हाँ पी क्यू पी एस नाम दे दो तो देखो बी वेक्टर क्या हो गया बी वेक्टर हो गया पी एस सी वेक्टर क्या हो गया पी क्यू एंड डी वेक्टर क्या हो गया पी आर देखो तीनों वेक्टर का पी 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 तीनों पी सेम तीनों इनिशियल पॉइंट सेम है तब वेक्टर को कहेंगे इनिसको इनिशियल पॉइंट ये दो वेक्टर हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है ओके नेक्स्ट टॉपिक है क्वारमिनियस वेक्टर को मतलब क्या है वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट और कॉल क्वार्टरमिनस वेक्टर अगर दो बा तीन बा चार पहले दो ही बोलूंगा अगर दो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम होगा ये तीन वेक्टर हो सकता है चार वेक्टर हो सकता है अगर दो वेक्टर का मिनिमम टू वेक्टर, मिनिमम टू वेक्टर अगर दो वेक्टर का अंतिम पॉइंट टर्मिनल पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा तब कहेंगे दे आर कॉल्ड को टर्मिनियस वेक्टर, ओके नेक्स्ट हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम होगा एज द वेक्टर ए बट अपोजिट डिरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए वेक्टर जैसे कि देखो इस फिगर को देखो पी क्यू वेक्टर ए वेक्टर पी क्यू वेक्टर इज ए वेक्टर लेट तर क्यू क्यू वैक्टर क्या होगा पी से क्यू को ए वेक्टर बोल रहा हूँ क्यू को क्यू से पी पी तो ए वैक्टर होगा बिकॉज दोनों ही तो सेम स्टेट लाइन है पी क्यू एंड क्यू पी देखो पी क्यू एंड क्यू पी दोनों तो दोनों तो सेम स्टेट लाइन है मगर देखो जब पी क्यू बोलूंगा तब होगा डिरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू फ्रॉम पी टू क्यू जब क्यू पी बोलूंगा जब क्यू पी बोलूंगा तब होगा डिरेक्शन फ्रॉम क्यू टू पी फ्रॉम क्यू टू पी सिंस डिरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस एन होगा जैसे देखो, X -axis, -axis, कि देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ एक्स एंड ओ एक्सटेस्ट ओ एक्स ए पॉजिटिव ओ एक्स डगेटिव यहाँ पे बोलते हैं वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट यहाँ क्या होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लेंथ सेम होगा मगर साइन अपोजिट होगा इस कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द वैक्टर समझे ना तो यह था वैक्टर का कुछ टाइप का बेसिक कंसेप्शन ऑनली बेसिक कंसेप्शन ओके चलो थैंक यू